मराठवाड़े के सबसे प्रसिद्ध नेता आणि काँग्रेसचे कार्यकर्ता म्हणणारे बोलने वाले जनाब अब्दुल सत्तार साहब, इन्होंने आने वाले लोकसभा के अंदर अपने पक्ष के खिलाफ आज़ाद लड़ने का जो फैसला लिया है, इसके लिए इनसे पूछते कि आपने ये आज़ाद लड़ने का क्यों सोचा? आज़ाद लड़ने का इसलिए सोचा कि एक आधा माइनॉरिटी का आदमी दिल्ली में महाराष्ट्र की बात रखने वाला होना चाहिए। मैं सर्वसामान्य कार्यकर्ता हूँ और सारे कार्यकर्ताओं की भावना है, इसलिए मैं ये लोकसभा लड़ने वाला हूँ और चुन के आने वाला हूँ। ये पक्की बात है सर कि अगर आगे चल के अगर कोई नहीं आगे चल के अगर कोई प्रेशर आया तो वापस नहीं लेने वाले? कच्ची पक्की बोल, मतलब नहीं, आज कार्यकर्ता आपके साथ है, आपको वो मेरा क्या निर्णय मैं कभी भी ले सकता, कभी बदल सकता हूं, मेरा मतलब वो 29 तारीख की सभा के बाद आप 29 तारीख के अंदर हमारे कार्यकर्ता जो बोलेंगे वही हिसाब से मैं निर्णय लूंगा। कार्यकर्ताओं से राय वो होगा आपका पूरा, उसके बाद अभी मैंने मेरी घोषणा कर दिया। अब हमारे कार्यकर्ता को अगर लगता होगा कि मैंने चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, वो मुझे बोलेंगे साहब चुनाव मत लड़ो, खत्म हो गया मामला। और अगर कार्यकर्ता बोलते लड़ना चाहिए तो फिर मैं तो लोकल कार्यकर्ता जैसा एक आम कार्यकर्ता हूँ और मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ, और लड़ने वाला नहीं हूँ जीतने वाला हूँ, ये भी बात रखें।